गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पिनाकल पे एक बार फिर से। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में कुछ बोन्स दी गई हैं, ठीक है, ये बोन्स हैं जैसे मेलस, मैक्सिला, ल्यूनेट, और इनके सामने इनके ऑर्गन दिए गए हैं कि कौन से बोन जो है वो किससे संबंध रखती है, कहाँ पे मौजूद होती है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, मेलस बोन जो होती है वो मिडल ईयर की बोन होती है, ये बिल्कुल सही है। मिडल ईयर की तीन बोन होती है, मेलस, इनकस और स्टेपस। तीन बोन्स को याद रखना, और एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि ईयर के कौन से भाग की ये तीनों हड्डियां होती है, तो मिडल ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। और स्टेपस बोन जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेस होती है। अब मैक्सिला देखो, क्रेनियल बोन, क्रेनियल होता है ये दिमाग वाला जो क्रेन वाला सिस्टम है, लेकिन मैक्सिला क्रेनियल बोन नहीं है। मैक्सिला जो है वो एक फेसियल बोन है, हमारे फेस की एक हड्डी का नाम है मैक्सिला। तो आंसर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि मैच मैच जो करा है वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इन डाइकोट्स द पोलन ग्रेन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डाइकोट्स में द पोलन ग्रेन पोजेस, ठीक है। डाइकोट क्या होते हैं? ऐसे बीज जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो चने का, चने में दो सीड होते हैं, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर दो सीड होते हैं तो वो डाइकोट होता है। जैसे चना हुआ, चने को आप बीज से तोड़ते हैं या मूंगफली को बीज से तोड़ते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वो एग्जाम्पल होता है डाइकोट का, ठीक है। और मोनोकोट में सिर्फ अगर एक बीज प्रेजेंट होगा तो वो मोनोकोट होता है, ठीक है। अब द पोलन ग्रेन पोजेस, कि डाइकोट में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस तरीके से, कैसे, क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर होगा हमारा, इसके अंदर थ्री जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर क्या होते हैं? जर्म पोर वो एक जगह होती है प्लांट्स के अंदर जहां से एक पोलन ट्यूब गुजरती है या एक जर्म ट्यूब जो है वो बाहर आती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जब चने आप उनको पानी में भिगो के रख देते हो तो कुछ दिन के बाद क्या होते हैं, वो उगने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर से एक छोटा सा आपको ऐसे निकलता हुआ धागा सा दिखाई देता है, वो जर्म ट्यूब होती है। उसी के द्वारा जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो डाइकोट्स के अंदर, जिनके अंदर दो बीज होते हैं, ऐसे फ्रूट्स के अंदर, ऐसे पौधों के अंदर तीन जर्म पोर होते हैं। इस तरीके से तीन जर्म पोर प्रेजेंट होगी और तीन वहां से वहां पे जर्म ट्यूब निकलती है, ठीक है। समझ में आई बात? आंसर होगा बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन, कि स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा भारत में क्या है? इंडिया में नॉइज पोल्यूशन की सीमा कितनी है, जो एक्सेप्टेबल रेंज जो है इसकी वो क्या है? 40 से लेके 45 डेसिबल जो है ये रेंज आपको याद रखनी है। इतनी मात्रा की ध्वनि जो पोल्यूशन होता है वो एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा होगा तो वो लीगल नहीं होता, इलीगल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सटर्नलिटी थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, की बाह्यता सिद्धांत अर्थशास्त्र की इस शाखा का बुनियादी सिद्धांत है। कौन सी शाखा का है ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। एक्सटर्नलिटी क्या होता है? मतलब ऐसी चीजें, ठीक है, जिसका मान लीजिए कर कोई और रहा है लेकिन उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, चाहे हम करें या ना करें, लेकिन उस इंसान के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वो बुरा प्रभाव हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका पोल्यूशन का, कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है, पोल्यूशन के मान लीजिए कुछ लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ जला रहे हैं प्लास्टिक को, लेकिन उसका भुगतान तो हमें भी करना पड़ता है, चाहे हम पॉलीथीन जलाएं ना जलाएं, उसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटी। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो होता है वो एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में से चूज करेंगे तो पारिस्थितिकी हमारा सही आंसर होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, द अबव स्टेटमेंट इज मेड बाय, ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा कही गई है? कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ये बात सच है कि जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, और यह स्टेटमेंट कही गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स,
कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली डिजिटल सर्किट के द्वारा स्वीकृत होगी, ये हमसे पूछा है। डिजिटल सर्किट का अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। मैंने डिजिटल सर्किट के बारे में क्वेश्चन आया था हमारे वहाँ पे नोट गेट, उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है डिजिटल सर्किट का, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है डिजिटल सर्किट से, तो इससे मिलती है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो इस प्रकार से नहीं होती जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो हमेशा जीरो या वन की फॉर्म में होती है। ये देखिए, इस प्रकार से आपने देखा होगा कंप्यूटर में 01 1001, इस तरीके के लैंग्वेज को ही बाद में वो डेवलप करता है, ठीक है। और आंसर क्या होगा हमारा, बाइनरी सिस्टम जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सर्किट जो है बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अब डिजिटल सर्किट क्या होता है, जो बच्चे अगर नए बच्चे आए हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ हल्का सा, कि मान लीजिए आप कोई इनपुट दे रहे हैं, दो इनपुट आपने दी, उससे आपको एक आउटपुट यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ठीक है, एक आउटपुट आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो यही कहलाता है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के वैसे तो 7 टाइप होते हैं लेकिन एग्जाम में 3 ही टाइप आते हैं, नोट गेट, और गेट और एंड गेट, ये तीनों टाइप आते हैं। और एग्जाम में इन तीनों में से भी आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट गेट का। नोट गेट में क्या होता है, नोट गेट के अंदर ये होता है कि इसमें एक सिर्फ एक ही सिंगल ट्रांसिस्टर होता है, एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है नोट गेट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नोट गेट के बारे में एग्जाम में काफी बार आता है, तो आपको नोट गेट जो है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ट्रांसिस्टर होता है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में एससीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, इनमें से कौन एक जो है कि पॉलिटिशियन नहीं, राजनेता नहीं, आपको पहचानना है। आई के गुजराल की बात करें तो ये भारत के 12वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, 12th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जयललिता आप सभी को पता है फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं तमिलनाडु की, और एच एन भगुना जो है ये भी कांग्रेस के लीडर थे यूपी से, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा सुंदरलाल भगुना जो है वो इनमें से एक राजनेता नहीं है बल्कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने 1973 में जो चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उनके द्वारा की गई थी, जिसमें पेड़ों को बचाया गया था। ये आप इनके बारे में काफी बातें पढ़ भी सकते हैं, पद्म विभूषण भी मिला हुआ इन्हें 2009 में, और काफी आंदोलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय, कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। यह उपाधि उन्हें दी गई थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन थे कांग्रेस के अंदर, ठीक है, इस वजह से इनको ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। कि निकनेम्स जो है ना एग्जाम में काफी बार आते हैं कि ये उपाधि किसको दी गई है, टाइटल किसको दिया गया, तो ऐसे ही दादा भाई नौरोजी को एक टाइटल दिया गया था, उन्हें उनको कहा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू एंटर इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज सीनेटर इज, कि सीनेटर के रूप में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रवेश करने वाले पहले हिंदू अमेरिकी थी या थे, कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2012 के अंदर ये चुने गए थे, और इनका नाम क्या है, तुलसी गबार्ड। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, तुलसी गबार्ड करके आप याद रखेंगे, ये पहले हिंदू अमेरिकी हैं जिनको कि यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनमें एज ए सीनेटर इनको चूज किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखो, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, पिक आउट द करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन करें। फ्लैशी फूड्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और प्रोटीन, फिश के अंदर स्टार्च और विटामिन, मिल्क के अंदर फाइबर एंड मिनरल्स, और एग योक के अंदर प्रोटीन और फैट, आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा एग योक, सही मिलान करना है हमें, तो एग योक जो है उसका मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है, प्रोटीन और फैट दोनों ही चीजें होती है एग योक के अंदर, ठीक है। फिश के अंदर कभी भी स्टार्च और विटामिन नहीं होता है, फिश के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ साथ आयोडीन मिलता है फिश में से, प्रोटीन मिलता है प्लस में आयोडीन मिलता है,
फ्लैशी फूड्स के अंदर आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है और साथ में फैट मिलता है, कैल्शियम नहीं मिलता है, ठीक है। और मिल्क फाइबर्स में दूध से आपको बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मम्मी कहती दूध पीना चाहिए, प्रोटीन्स होते हैं दूध में, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो फ्लैशी फूड वाला दिया हुआ है कैल्शियम एंड प्रोटीन, वो मिल्क वाले केस में आना चाहिए था। बाकी एग योक के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है, तो ऑप्शन डी हमने सही चुन लिया अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु वॉज द वायसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसरॉय कौन थे। आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अगस्त के महीने में 1942 के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये आपको इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऑप्शंस को डिस्कस करना, तो आइए इसके ऑप्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेवेल प्लान आया था 1943 से 47 के बीच में। आप अगर इनके टाइम पीरियड याद रख लेंगे कि कौन से टाइम में कौन आए थे, तो उससे ये होगा कि इस बीच में जो इवेंट्स हुए थे आप उनको उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इनका टाइम पीरियड आप याद रख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से इवेंट इनके बीच में हुए थे, ठीक है। अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाता है, कि एग्जाम में आता है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो किस वक्त मौजूद थे, भारत में ऐसी कौन सी घटना हो रही थी जिस वक्त ये वायसरॉय थे। तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था उस वक्त कौन मौजूद थे, लॉर्ड कर्जन। ये भी सीजीएल ने एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी, आईपीसीसी क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर क्या होगा ट्वेल्थ के लिए हमारा, आईपीसीसी एक संस्था है जो कि एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन में भी ये किससे मिलके बना है, मतलब इसको बनाया किसने है आईपीसीसी, ये एग्जाम में आता है। इसको बनाया है WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साथ में UNEP ने मिलके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये दोनों टर्म आपको याद रखने, WMO और UNEP से मिलके बना है IPCC, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, IPCC का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन सी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, आंसर आ गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा कि हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। ये क्वेश्चन में पूछा है कि जो 1935 में जो एक्ट आया था, ठीक है, उस एक्ट को निम्न में से किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये आपसे पूछा है। देखिए, जो 1935 में जो एक्ट आता है उसके अंदर जो भारतीय हम क्रांतिकारी चाहते थे कि हमें ये सब चीजें मिले, वो चीजें हमें नहीं मिल पाई थी। इस वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको लगता था कि ये एक्ट जो है एक तरीके से गुलामी का नया अधिकार पत्र है, कि हमसे कुछ चीजें नए गुलामी के तौर पर हमें दे दी गई है, ठीक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ये आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला देखिए, इंडो सल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप्स रिजल्टेड इन द पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजेडी इन, काजू की फसल पर इंडो सल्फान स्प्रे के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप त्रासदी कहां पर हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। इंडो सल्फान जो स्प्रे से जो ये नुकसान हुआ था, ये पोल्यूशन हुआ था, ये हुआ था एक डिस्ट्रिक्ट है केरल की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है कासरगोड। कासरगोड के अंदर ये त्रासदी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा केरल जो है, केरल के अंदर कासरगोड है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद, की कार्यात्मक वित्त का संबंध किससे है। फंक्शनल फाइनेंस जो है वो क्या होता है, क्या चीज होती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या इसका सही जवाब होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, फंक्शनल फाइनेंस इकोनॉमी की हमारी एक टर्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपने लिए एक अपने गोल अगर पूरा करना है, गवर्नमेंट को लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नया करना है, तो गवर्नमेंट को अपना जो फाइनेंस है, जो पैसे है, वो खुद ही जुटाने पड़ेंगे, ऐसा माना जाता है। तो इकोनॉमी में इसे कहा जाता है फंक्शनल फाइनेंस, कि खुद ही से आपको चीजें अरेंज करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट को खुद ही फाइनेंस करना पड़ेगा खुद को। और यह जो किससे एसोसिएटेड है, किस आंसर क्या होगा इसका हमारा, अब्बा पी लर्नर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, अब्बा पी लर्नर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है,
कि फैरड इज द यूनिट ऑफ, फैरड किसकी इकाई है, किसको मापने की इकाई है, आंसर कीजिए फैरड किसको मापने की इकाई है, यह मापने की इकाई है कैपेसिटेंस को, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, इन तीनों को भी बारी बारी से पढ़ते हैं। इंडक्टेंस को मापने की यूनिट होती है हेनरी, हेनरी ठीक है, और रेसिस्टेंस को मापने की यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस को मापने की यूनिट होती है सीमेंस, ठीक है। ये आपको चारों याद रखने हैं क्योंकि टर्म जो है काफी मिलती जुलती हैं, तो एग्जाम में ये जो चीजें हैं ये पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से एक ऐसा प्रिंटर बताना है जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटर देखिए, आपने कभी कभार पुराने ऑफिसेस में देखा होगा कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी सुइयां सी लगी हुई हैं, नीडल्स लगी होती है, और नीडल्स जो है पेपर के ऊपर ऐसे छपती हुई जाती है और लिख देती है वहां पे। तो इस टाइप के प्रिंटर जो पुराने प्रिंटर्स हैं उन्हें कहा जाता है डेजी व्हील प्रिंटर, जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। आंसर होगा हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। इसके साथ साथ एक और प्रिंटर का नाम भी याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर के, बाकी तीन ऑप्शन सारे एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, कि अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद होती है, ये आपको बताना है। परसेंटेज कितनी होती है नाइट्रोजन की अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 twice SO4, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखो। परसेंटेज की बात करें तो 27% होती है, ये मात्रा आपको याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म अगेंस्ट द फॉलोइंग ग्रुप, कि निम्नलिखित समूह के बीच विषम शब्द को पहचाने, आंसर क्या होगा, एक इनमें से एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों से मैच नहीं करता है, थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। इस डायग्राम को देखिए एक बार, थोड़ा सा समझिए कि आंसर क्या होना चाहिए। ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिकल और कोएक्सियल केबल, ये तीनों एग्जाम्पल है केबल्स के, केबल मतलब तारों के एग्जाम्पल है, तारों के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। लेकिन आपके आंसर में एक चीज दी गई है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव जो होती है वो रेडियो वेव्स होती है, ये इन सब में अलग है। बाकी तीनों एग्जाम्पल किस नाम किससे जुड़े हुए हैं, केबल से जुड़े हैं, तारों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंट विद मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन 1923, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, क्यों स्थापना होती है, क्योंकि नेता जो थे ये कांग्रेस से सहमत नहीं थे, उनके विचारों से ये चाहते थे कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करें, तो इन्होंने क्या किया कांग्रेस छोड़ के, जैसे हम देखते हैं कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, एग्जैक्टली वहां भी यही होता है। 1923 में एक पार्टी छोड़ के अपनी नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्वराज पार्टी। इस पार्टी की स्थापना, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चित्रंजन दास, इसके C.R. दास इसके प्रेसिडेंट थे, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास ने मिलकर ये पार्टी बनाई, इनके तीसरे एक और सदस्य थे नरसिम्हन, तो 1923 के अंदर इन्होंने ये पार्टी का निर्माण कराया, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये इसके प्रेसिडेंट थे, इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे चित्रंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड, कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ऐसे कर्तव्य जो हमारे मौलिक कर्तव्य हमें अपने राज्य या राष्ट्र के लिए निभाने पड़ते हैं, ऐसे कर्तव्य कितने हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है एक 1976 के अंदर, उससे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड करते हैं, उस पार्ट का नाम है पार्ट 4A, एक नया आर्टिकल भी साथ में ऐड होता है, आर्टिकल का नाम है 51A। इनसे क्या होता है 10 ड्यूटीज ऐड की जाती है संविधान के अंदर, उन ड्यूटीज को कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आंसर क्या होगा हमारा 4A जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बात हुई है ड्यूटीज की, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कौन से देश से लिया है, कौन से देश के संविधान में ड्यूटीज दी और हमने उनको उनसे पिक किया है, तो रशिया से। क्या याद रखोगे, रशिया से हमने लिया है इनको। एक आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कौन से देश से लिया है, कि आंसर होगा USA। और एक एग्जाम में आता है कि DPSP हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है आयरलैंड से। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ तीन पूछे जाते हैं,
ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तीनों आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, कि निम्न में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा किसे प्राप्त है? जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको यह दर्जा प्राप्त होता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए, प्योरिटी ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, अगर आप एक मेटल, एक धातु की शुद्धता का पता लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे? इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए, अगर मैं आपको गोल्ड, कोई सोने की चेन या कुछ भी देती हूँ, आप कैसे पता लगाएंगे कि वो शुद्ध है या नहीं है? रंग को देख के नहीं पता लगता, उसकी डेंसिटी को देख के पता लगता है कि उसका घनत्व कितना है, उससे पता लगता है कि जो मेटल है वो शुद्ध है या नहीं है, ठीक है, इससे पता लगाते हैं हम प्योरिटी का। और अब आंसर क्या होगा हमारा, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमारा सही आंसर होगा। इस प्रिंसिपल के थ्रू आप एक मेटल की प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई इंसान पानी के अंदर तैर रहा है, तो अगर वो तैर रहा है तो वो कितना पानी जो है डिस्प्लेस करेगा वो कैसे पता लगेगा, वो उस टोटल वेट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस करता है पानी, एग्जैक्टली यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। अगला देखिए, आंग सांग सू की इज अ नेटिव टू, आंग सांग सू की किस देश की निवासी है, ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, काफी करंट अफेयर्स में रहती है। आंसर क्या होगा इसके लिए, म्यांमार। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब आप मुझे बताइए म्यांमार की कैपिटल क्या है, कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी कैपिटल बता दूंगी। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप मुझे। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक, डीपीटी के टीके किस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। डीपीटी क्या होता है, एक वैक्सीन होती है जो कौन सी बीमारी में दी जाती है, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो डीपीटी से ही आप इसको याद रख सकते हैं, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस जो है वो सही आंसर है। अगला देखिए, फर्स्ट कंट्री हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वॉज, कि ऐसा पहला देश जिसने भारत का समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 1497 के अंदर, 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत में लैंड करते हैं, एग्जैक्टली एक साल पहले 1497 की बात करते हैं। तो जो सी रूट खोजा गया था वो खोजा गया था यूरोप से डायरेक्ट इंडिया, और कहाँ से होते हुए, अब वो रास्ता भी देख लेते हैं, अटलांटिक ओशन से होते हुए उन्होंने रास्ता खोजा था, और अफ्रीका का एंड पॉइंट से होते हुए यह रास्ता खोजा गया था। सबसे पहले जो भारत में आने वाले थे वो थे पुर्तगाली में नाम पूछा जाता है वास्को डिगामा का, कि भारत में आने वाले पहले इंसान कौन थे, कहाँ से थे। तो वास्को डिगामा नाम याद रखना है और पुर्तगाल, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। डायमंड्स जो होते हैं, हीरे, पानी से अधिक मूल्यवान होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या सही आंसर होगा। पानी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है पल पल, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि डायमंड्स का प्राइस बहुत हाई लेकिन पानी बहुत सस्ता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अब होती क्या है यह आपको बताना है। इसका, इस शब्द का मतलब ये है कि ऐसी एक चीज जो आपको संतुष्टि दे सकती है, कि मान लीजिए आपने हीरे खरीद लिए हैं, ठीक है, आपने डायमंड परचेज किया, तो आपको एक संतुष्टि है कि मेरे पास डायमंड की एक रिंग है, आप उससे खुश हैं कि मैंने अपने पैसे जो है सही जगह इन्वेस्ट किए हैं, बाद में मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो यह संतुष्टि ही है, इस वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट मार्जिनल यूटिलिटी, कि पानी से आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिल सकती कि आप पानी खरीद रहे हैं, एक लीटर पानी आप खरीद रहे हैं और एक हीरा खरीद रहे हैं, किसमें ज्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी, हीरा खरीदने में मिलेगी, यही एग्जैक्ट इसके पीछे रीजन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज, कि 5% पानी युक्त एथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, बताइए। अगर 5% वाटर होगा और बाकी 95% उसके अंदर इथेनॉल होगा तो उसे क्या कहा जाता है, आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा,
उसे कहा जाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होना, कि 95% तो उसके अंदर हमें मिल रहा है एल्कोहल, समझ रहे हैं बात, और सिर्फ 5% पानी है, तो वो होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, उसे कहा जाता है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूजेस विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कल भी SEZ का क्वेश्चन आया था, मैंने समझाया था SEZ क्या होता है, अगेन देख लेते हैं इसको। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित भूमि का उपयोग किया जाता है। SEZ क्या होते, एक ऐसा एरिया बना देती है गवर्नमेंट जहां पे फ्री ट्रेड होता है, इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, तो बाहर के कंट्रीज से लोग आके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। आंसर होगा हमारा फ्री ट्रेड एरिया एक होता है जहाँ पे आयात निर्यात का काम चलता है। अगला देखिए, ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राजील करंट इज, क्वेश्चन है कि ब्राजील की धारा के पूर्व की ओर निरंतरता को क्या कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील करंट ऐसा एक करंट जो ब्राजील से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसका हमेशा एक चीज इस क्वेश्चन के लिए याद रखो, ब्राजील करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा साउथवर्ड, ये साउथ की तरफ बहता है, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आंसर हम इसके लिए क्या लेंगे हमारा, कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, इतना ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ब्राजील करंट जो होता है वो साउथवर्ड बहता है, साउथ की तरफ बहता है, ये चीज आपको याद रखना, आपका आसानी से ये सॉल्यूशन आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु आर द प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य का निर्धारण करने वाले कौन है, आंसर होगा फर्म, फर्म जो है वो राइट आंसर होगा, आप इसको समझ सकते हैं, इजी है कि परफेक्ट कंपटीशन, दो लोगों के बीच में एक परफेक्ट कंपटीशन है, सारी चीजें परफेक्ट है वहां पे, तो ये किसके बीच में होता है, दो फर्म्स के बीच में होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। अगला देखोगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या किस चीज में यूज किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो कि संचार उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आंसर देखने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ये आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट होता है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। पहले आपको यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है, आप जो ये सैटेलाइट होता है इसको एक सिग्नल दिया जाता है, उसी सिग्नल को फिर ये एम्पलीफाई करके यहाँ भेज देता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप इसको समझ सकते हैं, रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा, दोबारा से देख लीजिए, पहले रिसीव कर रहा है फिर उसी सिग्नल को रीडायरेक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, दोनों ही काम कर रहा है, तो आंसर होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध कॉल्ड एज, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, ये बताइए आप, जल्दी से आंसर कीजिए क्या सही जवाब होगा। बुद्ध ने जो अपना पहला सर्मन दिया था वो 11वीं सेंचुरी के अंदर दिया था, 11th सेंचुरी के अंदर, कहाँ पे दिया था ये आपको पता होना चाहिए, सारनाथ के अंदर, सारनाथ के अंदर उन्होंने अपना पहला सर्मन दिया था, और उस उपदेश को कहा जाता है धम्मचक्र पवत्तन सुत्ता, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, धम्मचक्र पवत्तन सुत्ता। इसको याद कैसे रखोगे, इसका मतलब होता है कि धर्म अर्थ की पहिया की गति, मतलब धर्म के अर्थ से रिलेटेड ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने समझाई थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। वेयर आर टोडास फाउंड, कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं, टोडा होता क्या है, ये एक समुदाय है जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, तो कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर ये पाया जाता है, वहां का ये एक एथनिक ग्रुप है, तो आंसर होगा तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन स्ट्रो रिवोल्यूशन वॉज रिटन बाय, एक पुस्तक दी गई है आपको, देखिए द वन स्ट्रो रिवोल्यूशन, ठीक है, ये पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लिखी गई है एन इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है, आप देख सकते हैं इसका टाइटल ही लिखा हुआ बुक के ऊपर, इस बुक को किसने लिखा ये नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आइए क्वेश्चन पे, आंसर होगा हमारा डी मासानोबु फुकुओका, ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये आप इसका कवर पेज देख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म, कि वाई सोशलिज्म किताब किसने लिखी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि भारत के लिए सोशलिज्म समाजवाद क्यों जरूरी है, ये इस
पुस्तक के अंदर लिखा गया है, काफी लोगों ने डिस्कशन किया है, डिबेट किया है, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर करके आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइपोथर्मिया अकर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन, निम्न में से किस में शरीर का तापमान अचानक कम हो जाने के कारण शरीर की अत्यधिक उष्मा निकल जाने की वजह से अल्पावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है? ठीक है, आंसर क्या होगा? हाइपोथर्मिया क्या होता है? हमारे मानव शरीर का एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें जिसपे हमारा शरीर काम करता है, वो एवरेज टेम्परेचर होता है 34 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, या 35, किसी किसी बुक्स में आपको 35 से 37 में मिल सकता है, तो वो कोई बात नहीं, आप मेन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर क्या देखना है हमें, इतना टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो कि आपका एवरेज तापमान 34 से बिल्कुल नीचे चला जाए एकदम से, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोथर्मिया, उसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपका बॉडी का तापमान गिर जाता है, और यह किसके अंदर होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज, वह बीमारी जो दुनिया से समाप्त कर दी गई थी उसका नाम बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा? लेप्रोसी होगा, चिकन पॉक्स होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, क्या आंसर होगा इसके लिए? इसके लिए आंसर होगा हमारा स्मॉल पॉक्स। चेचक की बीमारी जो है वो दुनिया से समाप्त कर दी गई है, और चेचक के लिए वैक्सीन करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है, उनका नाम है एडवर्ड जेनर, आप नाम याद रखेंगे, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। वैकेंसी फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देता है, डेथ हो जाती है उनकी, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाती है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होता है वो कितने महीने के अंदर दोबारा भरा जाना चाहिए, ये कहा गया है आर्टिकल 56 के अंदर। ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर उस ऑफिस को चुनाव करके दोबारा से भरा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगर एक बात बताइए, मैंने अपने कल के सेशन में कराया था आपको कि प्रेसिडेंट को अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो किन्हें देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना होगा तो वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनआरआई डे इज मार्क्ड ऑन, कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, आंसर क्या होगा इसके लिए? प्रवासी भारतीय दिवस 1915 के अंदर जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे तो उनकी उनके आने की खुशी के अंदर इस दिवस को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ब्लड इनमें से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथीलियल है, मस्कुलर है कि क्या है? ब्लड काम क्या करता है इसी से आइडिया लगा लो। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को और जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वाटर का ट्रांसपोर्ट, साथ के साथ ब्लड का ट्रांसपोर्ट पूरे शरीर के अंदर करता है, तो ये शरीर को एक जोड़े रखने का काम करता है। आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू, ये एक रोल प्ले करता है संयोजी ऊतक का। अगला देखो, नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट फ्रॉम अ डीप लेक वाटर इज नोन एज, कि वह प्राकृतिक आपदा जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड अचानक एक गहरी झील के पानी से प्रस्फुटित हो जाती है क्या कहलाता है? ऐसे अगर कोई सिचुएशन आ जाती है जब ऑक्सीजन CO2 बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है, उसे कहा जाता है, नाम दिया जाता है लिमलनिक, ये नाम आपको याद रखना है लिमलनिक। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज, कि इस्पात रबर से अधिक लचीला होता है, ऐसा क्यों होता है? लोगों को लगता है कि रबर जो होता है वो बहुत लचीला होता है, बट स्टील भी काफी लचीला होता है रबर के कंपैरिजन में। इसका आंसर है क्योंकि स्टील को आप बहुत आसानी से विकृत कर सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है ये रीजन आपको इसके पीछे याद रखना है। हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, एक मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? पहले ये हार्मोन था, ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने क्या खोज की कि अगर आप इसको टीके की फॉर्म में लेते हैं ना, इंजेक्शन की फॉर्म में, तो ये प्रेगनेंसी को रोकता है, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है, और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो राइट आंसर होगा। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है,
फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल का सेक्स हार्मोन है। मेल की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो टेस्टोस्टेरोन करता है, और फीमेल में जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। कोर्टिसोन क्या करता है? बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? किडनी का जो फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। अगला है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? कौन से आंसर होगा इसके लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। जब अम्लीय वर्षा होती है, एसिड होती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे H प्लस आयन्स होते हैं। मैंने आपको समझाया था एसिडिक होती हैं चीज़ें तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, बेसिक अगर होती है तो OH नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एसिडिक है मतलब H प्लस आयन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दूसरा ये है इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो मार्बल को कोरोड कर देती है। तो 45th के लिए हमारा राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ कैन बी रिमूव बाय, कपड़े पर जंग के दाग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जंग का दाग लगता है आयरन के, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो काफी मतलब जब वो चिपक जाता है कपड़ों पे तो आप उसको हटा सकते हो सिर्फ एसिड से। अगर आप उस पर एसिडिक कोई चीज लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आयरन कपड़ों से छूटना शुरू हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग जो है वो टूटने लग जाती है। आपको वहां पे एसिड यूज करना है। तो ऑप्शन में आपको एसिड दिया गया, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स? के मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए निम्न में से किस बैंक से कर्ज लिया था? ये क्वेश्चन है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो मदन मोहन मालवीय ने 50,000 रुपए का लोन लिया था किसके लिए? द हिंदुस्तान टाइम्स को स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। उनको ये लोन मिला था लाला लाजपत राय की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उनके कोई दोस्त थे जो उद्योगी थे और उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने बैंक से लोन दिया गया था लाला लाजपत राय की, उन्होंने हेल्प की थी इनकी। और जिस बैंक से लोन लिया था उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक स्पीशीज, निम्न में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? ये क्वेश्चन है आपका। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में पाई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि यह स्पीशीज सिर्फ जो है इंडिया में पाई जाती है, या सिर्फ दिल्ली में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसी प्रकार से ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है एंडेमिक। ठीक है, इनमें से एंडेमिक स्पीशीज का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो ये स्पीशीज आप देख रहे हैं ये कहाँ पर मिलती है? वेस्टर्न घाट के अंदर ही स्पेशली मिलती है, या साउथ इंडिया की कुछ जो पर्टिकुलर माउंटेन्स है सिर्फ वहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? रक्त समूह जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं ए बी ओ सिस्टम, ए ब्लड ग्रुप होता है या बी होता है, ओ होता है या ए बी होता है, ठीक है, इसे ए बी ओ सिस्टम कहते हैं। इसकी खोज की गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आज का आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए और अपना स्कोर बोर्ड जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है आज के सेशन में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही दिए हैं। आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा यहाँ पर, एग्जाम में आपके क्लियर हो करने के काफ़ी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वेदर आई अर्न योर वॉट इज नोन एज और नॉट, आई हैव लिसन टू यू, हैव लर्न फ्रॉम यू, यू हैव मेड मी अ बेटर प्रेजिडेंट एज सेड बाय, यह जो कथन जो है कि मुझे अपना आपका वोट मिले या ना मिले लेकिन मैंने आपको सुना है और आपसे सीखा है, इससे मुझे आपने एक बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है बराक ओबामा, उन्होंने अपनी विक्ट्री के ऊपर यह कथन कहा था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यह कथन कहा गया है बराक ओबामा के द्वारा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और हाँ, अपना स्कोर बोर्ड आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं।